सुनना है। देखो लंबा भाषण नहीं दूंगी क्योंकि भाई हैं, भाई बोलेंगे। सीधी सी एक बात है, आपकी आज की परिस्थिति और क्या आप देश की राजनीति को गहराई में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मोटी मोटी बात यह है, आज जो परिस्थितियां हैं, अगर आप सोचें, 2 साल पहले आई थी मैं, याद है आपको, यहाँ पे बहुत हुजूम था उस दिन, रात का समय था, आप सब आए थे मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रदेश की भाजपा की सरकार बनी, पहले से चल रही थी 5 सालों से, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। अब आपने, आप जब सरकार को देखते हैं कि 10 सालों से चल रही है और मीडिया के मेरे भाई बहन जो दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। G20 हुआ कि नहीं हुआ, सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे, और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान सम्मान जुड़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, हम भी देशवासी हैं, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का मान सम्मान, यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है, अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहाँ PSUs में रोजगार मिलता था, वहाँ आप देखिए बड़े बड़े PSO बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है, आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं लो एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आने वाला। तो मैं सिर्फ आपसे ही कहना चाहती हूँ कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो, और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। अब भैया बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद जरूर रखती हूँ कि आप सोच समझ के आगे चलेंगे, अपने भविष्य के लिए अपना वोट देंगे।